कैसे हूँ मैं फिजियोलॉजी को चाहने वालों, गाइडन को चाहने वालों। हाँ, तो जो आज का टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, हमें बेसिक बातें कुछ पता है कि कार्डियक साइकिल को हमने चार पार्ट में डिवाइड करा है। देखो कितना गंदा डायग्राम बना दिया ना मैंने। पहला है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर आता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो होता है 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो होता है 0.3 सेकंड का, और जो जॉइंट डायस्टोल होता है वो होता है 0.4 सेकंड का। तो टोटल कार्डिक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई भाइयों और बहनों? 0.8 सेकंड, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब ये वेंट्रिकल डायस्टो सॉरी सिस्टोल कर रहा है, तो आर्टेरिया क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली क्या कर रहा होगा बताओ, सिस्टोल कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा या रिलैक्स कर रहा होगा? तो मैंने बोला ये रिलैक्स कर रहा होगा। तो हम बात करते हैं अब कार्डियक साइकिल की। तो सपोज करो कि बिल्कुल अभी टी बराबर 0 हो रखा है, और ये चार चैम्बर हैं हमारे हार्ट के, प्यारे 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 दिल के चार टुकड़े, ठीक है। ये हमारा वाल है, इस वाल को क्या नाम दूँ, इस प्यार को सॉरी इस वाल को क्या नाम दूँ? तो ये हो गया एवी वाल, ठीक है। ये एक मिट्रल हो जाएगा, एक बाइकस्पिड हो जाएगा, एक ट्राइकस्पिड हो जाएगा, राइट। यहाँ से एओर्टा जाता है, तो यहाँ पे जो सेमिलुनार वाल होते हैं या एओर्टिक वाल होते हैं, ठीक है, ये वॉल हो गए। अब हो क्या रहा है कि दोनों मस्त डायस्टोल कर रहे हैं, दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो जो ब्लड आ रहा है अब यहाँ से, इधर से ब्लड आ रहा है और इधर सुपीरियर वेना के पास से ब्लड आ रहा है, तो जो ब्लड आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट कूद रहा है यहाँ पे वेंट्रिकल में, ठीक है, यही हो रहा होगा। और यहाँ पे इस एट्रिया में भी ब्लड भर रखा होगा, अरे हाँ या ना? तो मैंने बोला कि टी बराबर 0 सेकंड पे एट्रिया ने फायर किया, सॉरी ऐसे नोड ने फायर किया, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो एट्रिया का जो ब्लड है वो सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा और एट्रिया खाली हो जाएगा। तो टी बराबर 0.1 सेकंड तक एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करा, जो अपने पास जितना ब्लड था वो वेंट्रिकल को भेज दिया। और ये चूंकि एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये रैपिड कॉन्ट्रैक्ट करके रैपिड सिस्टॉल करता है, तो हमने इसको नाम दिया लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। अच्छा, लास्ट इसको बोला तो फर्स्ट कोई दूसरी होगी, अरे हाँ या ना? मैंने इसको लास्ट क्यों बोला है ये थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं अभी। तो ये जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है वो कितने टाइम की होती है? 0.1 सेकेंड की, और इसी को हमने नाम दिया, या यही होती है एट्रियल सिस्टोल। अब इम्पल्स नीचे जाएगी, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा, तो होगा क्या कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करता है, फिर से एक हार्ट का मैं अपना डायग्राम बना देता हूँ। ये ऐसे, ये जो वाल है, ये थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, ये वाल ऐसे नीचे लटका होता है, सॉरी ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। मैं थोड़ा वापस डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो वॉल है ये ऐसे होता है, और इसको ऊपर की तरफ खोलना होता है। जब ब्लड इसको नीचे से आके स्ट्राइक करेगा तब ये ऊपर की ओर खुलेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे नॉर्मली कितना होता है ब्लड प्रेशर? तो किसी बच्चे ने आंसर दिया साहब 80 mmHg। अभी टी बराबर 0.1 सेकेंड पे इसने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करा, तो मैंने बोला कि क्या ये 0.1 सेकेंड में हो जाएगा क्या, मतलब सॉरी कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना चालू होता है, क्या ये हाथों हाथ 80 mmHg पे पहुंच जाएगा क्या, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है? क्योंकि जब यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो 80 mmHg पे होगा, तभी तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, अरे हाँ या ना? सोच के देखो ना कि ये एओर्टिक वॉल है, ठीक है, ये ऊपर की ओर खुलना है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, जब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो खुलेगा ना। तो मैंने बोला कि जब इस नीचे वाले प्रेशर को
वो ATM में एचजी होने में जितना टाइम लगेगा तब तक तो ये खुलेगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो ये वाल है एवी वाल, अब ब्लड इधर नहीं जा पा रहा, तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे जो ये लटका होता है यहाँ पे आके इनसे ब्लड टकराता है, और जब ब्लड जैसे टकराता है तो ये वाल अपने आप बंद हो जाता है। तब हो क्या रहा है सोच के देखो कि ये वॉल एवी वॉल भी बंद हो गए, ठीक है, एवी वॉल भी बंद हो गए, और जो एओर्टिक वॉल है या सेमिलुनार वॉल है इन केस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर वो भी बंद है। तो ये जो वेंट्रिकल है ये एक क्लोज चैम्बर के रूप में है कि इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज ए क्लोज चैम्बर। तो हमने इसको नाम दे दिया दूसरी फेज को आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्लोज चैम्बर है और इस ड्यूरेशन में इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो नहीं रही, तो हमने इसको नाम दिया आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी टाइम जो पीरियड होता है 0.5 सेकेंड। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये जो एओर्टिक वॉल है सेमिलुनार वॉल है ये खुलेंगे, हाँ या ना? अब जैसे खुलेंगे तो इतनी देर से जो ये कॉन्ट्रैक्ट करके भर के बैठा है खूब अंदर अपने, तो ये जो भर के बैठा है एकदम से रैपिड इजेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे इजेक्यूलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ, तो रैपिड इजेक्शन होगा। तो रैपिड इजेक्शन क्यों होगा? क्योंकि इतनी देर से ये जो इसके अंदर प्रेशर प्रेशर बिल्डअप हो रखा है, तो उस प्रेशर बिल्डअप की वजह से एकदम से रैपिडली बाहर जाएगा ब्लड, और जिसको हमने नाम दिया रैपिड इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज टोटल 8 फेज होती है इसे, जिनमें तीन तो हमने डिस्कस कर ली, पहली कौन सी थी? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, दूसरी है आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, तीसरी है रैपिड इजेक्शन फेज, ये होती है 0.1 सेकेंड की। अब ऐसे सोच के देखो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर करता है, ऑब्वियसली 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें 0.15 सेकेंड तो ये हो गया आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड इजेक्शन। बाकी के टाइम पे क्या होगा कि नॉर्मली अपना ये जो ब्लड पंप करता रहेगा, तो हमने इसको नाम दिया स्लो इजेक्शन फेज, जो कि हमारी चौथी फेज है स्लो इजेक्शन फेज। और ये कितने की होगी? किसी शरीफ बच्चे ने आंसर किया सर 0.15 सेकेंड, 0.15 सेकेंड। अब होता क्या है कि जैसे ही वेंट्रिकल का टाइम गया कि अब ये वेंट्रिकल अब रिलैक्स होगा, तो वेंट्रिकल रिलैक्स होने जैसे ही 0.4 सेकंड पे वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, तो 0.4 सेकंड पे ब्लड जाना तो बंद कर देगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो प्रेशर बिल्डअप है उसकी वजह से कुछ टाइम तक और जाता रहेगा, ठीक है, और जाता रहेगा, तो इसकी वजह से क्या है कि वॉल बंद होगा नहीं। तो जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उससे लेकर जब ये वाल बंद होता है वापस नीचे पड़ता है नीचे गिरता है, तो इस फेज को मैंने बोल दिया प्रोटोडायस्टोल। ये है डायस्टोल फेज ही, लेकिन हमने इसको नाम दिया प्रोटोडायस्टोल क्योंकि अभी ये जो सेमिलुनार वॉल है वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। ये फिर से मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। 5 फेज हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, प्रोटोडायस्टोल। जो प्रोटोडायस्टोल होती है वो होती है 0.04 सेकेंड की, चार सॉरी 0.04 सेकेंड की। अब क्या हुआ कि ये एओर्टिक वॉल बंद हो गया, एओर्टिक वॉल बंद हो गया, लेकिन अभी ये जो एवी वॉल है ये ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस प्रेशर से ज्यादा है, ये वेंट्रिकुलर का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज्यादा है, सॉरी एट्रियल प्रेशर से ज्यादा है, नॉट एओर्टिक, एट्रियल प्रेशर से ज्यादा है। तो अभी ये जो वेंट्रिकल है ये इसके दोनों वाल बंद है, तो हमने इसको नाम दिया कि ये रिलैक्स कर रहा है, लेकिन कैसे रिलैक्स कर रहा है? एज ए क्लोज्ड चैम्बर में, तो हमने इसको नाम दे दिया आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज, और ये होता है 0.06 सेकेंड की। अब सोच के देखो कि ये 0.06 सेकेंड में जब रिलैक्स कर रहा है तो यहाँ पे ब्लड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब भी यहाँ पे ब्लड आ रहा था नहीं आ रहा था? आ रहा था साहब, लेकिन ये तब तो एवी वॉल बंद था, एवी वॉल बंद था, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ? किसी ने बोला हाँ सर प्रेशर तो बिल्डअप हुआ होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ और एकदम से एवी वॉल नीचे खुलेगा, तो एवी वॉल खुलते क्या होगा, दम करके जितने ब्लड था एट्रिया में वो सारा का सारा वेंट्रिकल में आएगा,
तो इसको नाम दिया हमने फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। किसी बच्चे के दिमाग में चमका, अच्छा इसको फर्स्ट नाम दिया तभी उसको लास्ट नाम दिया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज। और ये कितने की होती है, ये होती है 0.1 सेकेंड की। अब बाकी के टाइम क्या होगा कि ब्लड आएगा, ब्लड जितना एट्रियम आएगा डायरेक्ट वो इसमें वेंट्रिकल में आता जाएगा, तो इसको हमने नाम दिया डायस्टेसिस। और ये लास्ट फेज है डायस्टेसिस, और ये होती है 0.2 सेकेंड की। तो एक बार फटाफट मेरे को नाम बता दो कि लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, प्रोटोडायस्टोल, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, फास्ट रैपिड फिलिंग फेज और डायस्टोल। तो ये 0.8 सेकेंड हमारा कार्डियक साइकिल हो गया, ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल है। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज भी होंगे शायद, एक मिनट। तो पहला एमसीक्यू है कि आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन इज डिफाइंड एज, कि आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन में क्या होता है। पहला ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया, नहीं, रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया विद ऑल वॉल्स ओपन, पढ़ के देखो। रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर विथ माइट्रल एंड एओर्टिक वॉल क्लोज्ड। तो जो आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन होता है उसमें क्या होता है, ये जो एवी वॉल है और एओर्टिक वॉल है ये बंद रहते हैं और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो कौन सा है, रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आर्ट्रिया। रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आर्ट्रिया को हम आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं बोल सकते, हालांकि होते तो एट्रिया भी रिलैक्स है लेकिन हाँ उसके साथ साथ में वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी, रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर विथ माइटल एंड एओर्टिक वॉल क्लोज्ड, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2004 में, चार, ओके, इट्स 2004 नॉट चार। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, सॉरी, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द ओपनिंग ऑफ वॉल टेक प्लेस इन, अब कोई पढ़ के बता दो मेरे को, कि बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, नहीं, कौन से की बात हो रही है, एओर्टिक वॉल की। तो एओर्टिक वॉल कब ओपन होता है, जब आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन जब क्लोज होता है, सॉरी एंड होता है, तो आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन के एंड होने के बाद जब वॉल ओपन होते हैं तो तभी तो ये आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन का एंड होता है ना, तो एंड ऑफ आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है आज, उसके लिए आई एम सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी आपकी इच्छा है करो ना करो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।